सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कुछ दिन पहले कि मेरे पास जो है कैरम पास मैंने बाय कर लिया, लेकिन उसको अनबॉक्सिंग जो है अभी तक नहीं किया है। और फाइनली गाइस आज मैं उसको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आज जो है नया स्टैगर ओपन होने वाला है। नया तो नहीं यार, मतलब वो स्टैगर बहुत दिन से पड़ा हुआ था मेरे पास और उसको लेकर मैं इतना टेंशन में था कि भाई ये स्टैगर कब यार ओपन हो गया यार। मैं कितना ज़्यादा टेंशन में था उस स्ट्रैगर को लेकर भाई, बहुत ज़्यादा सीरियसली बोलो तो। क्योंकि जब भी मैं कैरम पास लेता था ना, मैं यही सोचता था कि भाई ये स्टैगर जल्दी से ओपन हो जाए, उसके बाद तो यार देखा जाएगा। ये देख रहे हो एजेट टैग स्टैगर, ठीक है। मतलब जितने भी ओल्ड स्ट्रैगर थे मेरे, वो सारे के सारे ओपन हो गए थे बस इसी स्ट्रैगर को छोड़ करके। यार ये स्ट्रैगर मेरा कब से दिमाग ख़राब हो रहा था, लेकिन आज की इस कैरम पास में देखो किस तरीके से ये स्ट्रैगर और कब ओपन होता है कि नहीं होता है। एंड देखो यार, लेट्स सी, सबसे पहला बॉक्स ओपन करते हैं। बस यार एक रिक्वेस्ट है, रिपीटेड जो स्ट्रैगर है वो मत आना भाई, ठीक है। सो सबसे पहले तो रिपीटेड स्टैग आ चुका है, स्कार्ब स्टैगर। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि इस तरीके का जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सब्सक्राइब तो बनता है यार, जल्दी से 1.5 लाख के आसपास सब्सक्राइब करना है हम लोग को, 1,30,000 हो गए हैं। एंड आज मैं फिर से लाइव आऊँगा, आज थोड़ा जल्दी लाइव आऊँगा मैं, ठीक है। 4 बजे के करीब लाइव आ जाऊंगा, 4 या 5 बजे, ठीक है। यानी कि कम से कम 4:30 बजे के करीब आ जाऊंगा मैं लाइव स्ट्रीम। एंड यहां पे देख सकते हो एक स्टैगर जो है वो हम लोग का ओपन हो चुका है। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये वीडियो। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि गेम प्ले भाई इतना तगड़ा लेवल का गेम प्ले होने वाला है। सिंगापुर, न्यूयॉर्क एंड मनाली। यार मनाली तो यार पता नहीं आज के बाद शायद कब दिखे, उसके बाद आज या कल तक शायद, ठीक है। वो 16 घंटा मात्र बचे हैं मनाली टेबल को, तो जितना भी चाहे आप लोग खेल लो जा करके, क्योंकि वो उसके बाद फिर कब देखने को मिले भगवान जाने, ठीक है, गॉड जाने। एंड देखो यार बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को गेम प्ले देखने में आज का, ठीक है, सीरियसली बोलो तो। उसके बाद ये लास्ट बॉक्स रहता है, इसको ओपन करते हैं एंड उसके बाद चलते हैं हम लोग गेम प्ले की ओर। और गेम प्ले भाई क्या ही बोलो, इतनी तगड़ी गेम प्ले होने वाली है, बस आप लोग देखोगे ना भाई मज़ा आ जाएगा। और भी फेयर लेवल पता है आप लोगों को अभी किस तरीके से गेम प्ले चल रहा है, और जिस तरीके से लाइव में मैं आप लोग को इस तरीके का जो गेम प्ले दिखाता हाई लेवल वाली लाइव में, मतलब जितनी भी ब्रेक मिल रही थी ब्रेक टू फिनिश करते जाता था, इतना कॉन्फिडेंस था अपने अंदर, ठीक है। ये जो न्यू स्टैगर मेरा ओपन हुआ है उसी स्टैगर को लेकर हम लोग गेम प्ले करेंगे, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सिंगापुर में गेम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो यार मैं बहुत देर तक रुकने वाला हूँ नहीं, क्योंकि बहुत देर तक अगर मैं रुका हुआ रह जाऊँगा ना तो गेम मेरा कनेक्ट नहीं होगा ओपोनेंट के साथ, फिर दूसरे छोटे छोटे टेबल में गेम कनेक्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे मैं बैग जाता हूँ, पहले क्या करता हूँ जो मुझे फ्रेम मिला है, ठीक है। अभी मैंने जिस फ्रेम को लिया, मैंने सोचा चलो उस फ्रेम को लगा करके गेम प्ले करते हैं, शायद वो देखने में अट्रैक्टिव लगे, चलो यार अच्छी लग रही है देखने में। एंड फिर से मैं गेम कनेक्ट करता हूँ सिंगापुर में, एंड देखते हैं क्या सीन है सिंगापुर में, ठीक है भाई। गेम कनेक्ट तो हो जाए, मतलब सारे के सारे प्लेयर्स कहाँ चले गए भाई। और यार लिटरली बोलो तो मैं बहुत सारे गेम प्ले करता हूँ, तब जाके मुझे एक प्लेयर्स मिलता है, वो भी चीटो बॉक्स, ठीक है। 20 से 30 गेम प्ले लाइव में तो आप लोगों को एक भी जो है ऑटो प्ले वगैरह देखने को नहीं मिला जो लाइव खेला था आज रात को मैं, ठीक है। एंड आज भी खेलूँगा, आज थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा लाइव, ठीक है। अभी टाइम कितने हुए हैं, ठीक है, ये वीडियो इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा 2:30 या 3 बजे के करीब, ठीक है। यानी कि उसके 1 या 1.5 घंटे के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो लाइव स्ट्रीम जो है वो आ जाएगी। ब्रेक मेरे पास आ चुकी है, गेम कनेक्ट हो चुका है राउडी फैन के साथ। एंड ब्रेक डिफिकल्ट है, कुछ इस तरीके से हिट करेंगे। फिनिशिंग देखना है किस तरीके से हम लोग फिनिशिंग करते हैं इस स्टैगर को लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड अभी देखो इस पक्स को हम लोगों ने पॉकेट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, इसको पहले स्लोली खेलते हैं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो पीछे वाली पक्स है इसको फास्ट खेलेंगे, यहाँ से बीच वाली पक्स जो है रिलीज होएगी, ठीक है। जब भी आपके पास कुछ इस तरीके का डिफिकल्ट ब्रेक आए तो आप लोग को भी इसी तरीके से खेलना है, मेरे इस वीडियो को देख करके सीखो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसको खेल लिया हम लोगों ने नीचे की ओर। अब देखो अब हम लोग कौन सी शॉर्ट्स को खेलते हैं, ठीक है, इसको खेल लेते हैं पहले, सबसे पहले तो ठीक है आराम से खेलना, ज़्यादा फास्ट खेलोगे तो यहाँ पे फॉल हो सकती है, मैंने फास्ट खेल लिया यार। चलो यहाँ पे अच्छा बात हुआ अगर फॉल मतलब फास्ट खेल लिया तो, ताकि ओपन का जो पक्स है ना वो क्लियर हो गया यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और सारे के सारे पक्स जो है ना गाइस वो ईजी हो चुके हैं, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे देख सकते हो पहले इस पक्स को खेल लेते हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों की जा रही है। बट यार थोड़ा सा मुझे ट्रैक मतलब थोड़ा सा अजीब लगा, फिर मैंने सोचा नहीं यार इसको खेलते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा फास्ट खेलते हैं क्योंकि मनाली टेबल है भाई, मनाली टेबल में। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके का जो है कनेक्शन बन चुका है हम लोग का, और बहुत ही अच्छा कनेक्शन, ये इसको खेल लेते हैं कुछ इस तरीके से। और ये देखो भाई लकी शॉट, ये लकी शॉट लगता है तुम्हारा यस भाई से। चलो कोई नहीं, ब्रेक टू फिनिश तो हो गया, यानी इस फिनिशिंग के लिए 1 लाइक तो बनता है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी कर दो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले की ओर। नेक्स्ट गेम प्ले जो है हम लोग का वो है सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर में गेम कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या सीन है।
भाई बहुत देर तक, इसलिए मुझे रुकने का मन नहीं कर रहा। यहाँ पे देखो गेम कनेक्ट हो चुका है 150 लेवल सागर भाई के साथ, ठीक है। अब देखो क्या सीन होता है, ब्रेक जो है ओपोनेंट के पास गई है, ब्रेक डिफिकल्ट है। अब देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे देखो ये भी फेयर प्लेयर है, मतलब फेयर प्लेयर है भाई, मतलब मज़ा आ रहा है गेम खेलने में। पहले तो यार सपना होता था फेयर, मतलब सिंगापुर खेलने का, बट मैं खेलता था, सपना को पूरा कर लेता था, लेकिन आप लोग नहीं कर पाते थे, बहुत सारे फेयर प्लेयर, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग सपने को हकीकत में बदल सकते हो, फेयर खेल के कॉइन्स भी बना सकते हो अगर स्किल अच्छी है तो। इसको खेलेंगे फास्ट, देखो यहाँ पे किस तरीके से अपना स्किल को लेकर ब्रेक टू फिनिश करते हैं, इसको फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी कोई काम नहीं है, इसको खेल लेते हैं, ठीक है। जो जो लगता है कि भाई इसका कोई काम नहीं है उसको पहले खेल लेंगे। भाई इसको क्या करेंगे, फास्ट खेलेंगे, यहाँ से बीच वाले पक्ष को रिलीज करेंगे, ओके। ये हो गया कुछ इस तरीके से। अभी देखो थोड़ा सा दिमाग लगा के खेलना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। अभी मैं क्या करूँ, इसको खेल लेते टॉप लेफ्ट साइड में, ठीक है, कुछ इस तरीके से खेल लेंगे इसको। एंड बैलेंस बना करके ये हो चुकी है पॉकेट। एंड उसके बाद क्या करना है हम लोग को, क्वीन को लेकर खेलना है, क्वीन को लेकर थोड़ा सा फास्ट खेलेंगे एंड ऊपर वाले पक्ष को थोड़ा सा रिलीज करेंगे, ठीक है, धकेलेंगे। बट यहाँ पे भी थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा था, मैं सोचने में मैं यार बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ, मैं सोचता बहुत हूँ, ठीक है, जिसके कारण डिसीजन मैं सही ले लेता हूँ। यहाँ पे लकी शॉट लग गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सोचने में थोड़ा सा टाइम लेने का यार, इसी मतलब हड़बड़ा के नहीं खेलने का, ठीक है। हड़बड़ा के खेलोगे तो कुछ यार मिस हो जाएगा, फिर पछताओगे बहुत ज़्यादा। तो सोचने में थोड़ा सा टाइम लो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं किस तरीके से सोचता हूँ, इसको खेलूँगा कुछ इस तरीके से फास्ट। और यहाँ पे देखो यार बोर्ड पूरा क्लियर क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर वाली जो पक्ष दिख रही है उसको सिंपल खेलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इसको सिंपल खेलेंगे, थोड़ा सा फास्ट खेलेंगे एंड ओपोनेंट की पक को उसको हम लोगों ने साइड किया, क्योंकि टॉप लेफ्ट साइड में हम लोग को कनेक्शन खेलना था इसको। और इसको बहुत ही बैलेंस बना के मारना, अगर ज़्यादा फास्ट खेल लेंगे तो ये फॉल हो सकती है स्टैगर। तो यहाँ पे देखो बहुत ही बैलेंस के साथ खेला और ये गेम हम लोग का फिनिश, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट गेम की ओर। आई होप आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और जितने भी सारे ये लोग बोलते हैं ना कि भाई ऑटो प्ले नहीं आता, तुम लाइव आके गेम प्ले करो, भाई लाइव आके मैं रेगुलर लाइव आता हूँ। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, भाई तुम लाइव आके गेम प्ले करो ना सिंगापुर में, ठीक है। लाइव तो मैं रोज़ करता हूँ भाई, अभी कंटिन्यू सिंगापुर खेल रहा हूँ लाइव में, ठीक है। बंदे थक जाते हैं भाई सिंगापुर का गेम प्ले देख देख करके, यस भाई क्या कर रहे हो यार, मतलब हर बार सिर्फ सिंगापुर का वीडियो दिखाते हो भाई, अब यार छोटा टेबल में गेम प्ले करो, ऐसे बात करते हैं। यहाँ पे देखो कौन सा शॉट लगाया, ये बहुत ही अच्छी शॉट थी। एंड फिनिशिंग देखो इसका किस तरीके से फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। मैं सीरियसली बोल रहा यार, बहुत ज़्यादा आप लोग बोले थे जब हैकर था तो ऑटो प्ले वगैरह, ठीक है, उस टाइम बहुत चल रहा था, तो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे, भाई यार क्या यार, मतलब सिंगापुर का गेम प्ले लाते नहीं हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अब सिंगापुर का गेम प्ले ला रहा हूँ तो उसमें भी आप लोग की चुल मच रही है, बताओ, ठीक है। तो देखो यार इन्जॉय करो। एंड यहाँ पे देखो एक कनेक्शन दिख रहा है मुझे, चार पक्ष का कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। वो ये देखो भाई क्या ही शानदार कनेक्शन जाता है अपना, ठीक है। तो सोचने का टाइम लेने का भाई, गेम खेल रहे हो तो इसमें सोचने का थोड़ा सा टाइम लेने का, कौन सी पक्ष कहाँ जाएगी, किस तरीके से खेलेंगे, ये सारा चीज़ आप लोग को सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, तभी जाके आप लोग ब्रेक टू फिनिश कर सकते हो। वरना यार आप लोग अगर ऐसे ही हड़बड़ा के खेलते हो तो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कौन से पक्ष को कहाँ मारे, किस पक्ष को कहाँ से खेले और कौन से पक्ष कहाँ पॉकेट करे, ये बहुत ज़्यादा जो है डिपेंड करता है अगर आप फिनिश करना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी अगर फिनिश नहीं करना चाहते हो, दो शॉट मारना चाहते हो, पक्ष को फंसाना चाहते हो तो फंसा सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोगों की पक्ष जो है ना अभी थोड़ी बहुत फंस चुकी है, लेकिन हम लोग करते क्या है यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर इसको हम लोग सिंपल तरीके से खेल लेते तो यहाँ से पक्ष रिलीज नहीं होती, लेकिन हम लोग इस तरीके से खेलेंगे ना तो पक्ष हम लोग की रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हुई, ठीक है, हो चुकी है। अब क्या करेंगे, क्वीन का कनेक्शन बनाएंगे टॉप राइट साइड में और ऑटोमेटिकली ऊपर वाली पक्ष वो रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल खेलेंगे और इजीली गाइस ब्रेक टू फिनिश, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा माइंड सेट रखना पड़ेगा आप लोग को। एंड यहाँ पे देख सकते हो एंड पांचवा जो गेम प्ले, पता नहीं कितने गेम प्ले हुए यार, ब्रेक आ चुकी है अपने पास, स्ट्रेट कट वाली ब्रेक है। जेसीम भाई के साथ बहुत सारा गेम प्ले किया मैंने, ठीक है, तो मेमोरी स्टोरेज मेरी फुल हो चुकी है भाई, कितना सारा गेम प्ले अपलोड करूँ। भाई भी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा लगा इनके साथ खेल करके, ये भी बहुत अच्छा ब्रेक टू फिनिशेस करते हैं। बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन रही है, नहीं तो मैं भाई का भी गेम प्ले ऐड कर देता इसमें, ठीक है। मतलब बहुत ही तगड़ी लेवल की गेम प्ले हुई थी भाई से भी। एंड यहाँ पे ये फिनिशिंग देखो यार बहुत अच्छा होता है, फेयर वर्सेस फेयर अलग ही मज़ा आता है भाई इनके साथ फेयर खेलना, मतलब क्या ही बोलूँ, सीरियसली मज़ा आता है फेयर वर्सेस फेयर खेलने में। यहाँ पे देखो तीनों के तीनों पक्ष फंस चुके हैं, अगर यहाँ पे सही तरीके से हम लोग अगर नहीं खेलते तो तीनों के तीनों पक्ष निकाल नहीं पाओगे। सबसे पहले इससे हम लोग कुछ ट्राई करते हैं निकालने का, बट हुआ नहीं, ज़्यादा जाके फंस चुका है। अब देखो हम लोग करते क्या है, ठीक है, जो सबसे पहले नीचे वाले पक्ष है, अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ऊपर वाले पक्ष को खेल लेते हैं, बट सबसे पहले नीचे वाले पक्ष को खेल करके एक पक्ष को उन्होंने रिलीज कर लिया। अब देखो यार जो ऊपर वाले पक्ष है अब उसको खेलने का पूरा जगह हो चुका है, तो कुछ इस तरीके से अभी हम लोग इसको खेलते हैं, खेल सकते हैं। पहले पीछे वाले पक्ष से उसको खेल नहीं सकते थे, लेकिन अब देखो पूरा क्लियर हो चुका है। तो ये होता है माइंड सेट, ठीक है।
आप लोगों को सेट रखना पड़ेगा माइंड को कि कौन से पक्ष को कहाँ खेले नहीं खेले तब जाएगी, ठीक है। सो आई होप यार आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग लगा होगा और गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल था। एंड आज 4 या 5 बजे के करीब मैं लाइव स्ट्रीम आऊँगा, तो जुड़ोगे कि नहीं कमेंट में बताओ, और लाइव आऊँगा कि नहीं, अगर जुड़ोगे और 100 लाइक्स कराओगे तभी मैं लाइव स्ट्रीम में रहूँगा, नहीं तो नहीं रहूँगा, ठीक है। सो टेक केयर गाइस, बहुत ही ज़्यादा लाइव स्ट्रीम आ रहा हूँ मैं, टेक केयर।